अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की दूसरी मंजिल से गिरा कोरोना संदिग्ध मरीज मुरादाबाद के जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड की दूसरी मंजिल से चादर के सहारे कूदकर भागने के प्रयास में गिरे कोरोना संदिग्ध मरीज की सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संदिग्ध मरीज को गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड की दूसरी मंजिल से एक मरीज के गिरने की सूचना ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति ने आज दोपहर बाद आइसोलेशन वार्ड की दूसरी मंजिल से चादर बांधकर नीचे उतरने के प्रयास में उसके हाथ छूट गए और वे धड़ाम से पक्के फर्श पर जा गिरा। आइसोलेशन वार्ड के पीछे की तरफ हुई इस घटना से मचे हड़कंप में महिला अस्पताल में मौजूद तीमारदार और अस्पताल का स्टाफ भी उस तरफ दौड़ पड़ा और उठाकर स्ट्रेचर पर रखते हुए इलाज के लिए इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है, जहां पर कोरोना संदिग्ध मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में हुई इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। इस मामले में जब जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर जोसना पंत से पूछा गया तो वे कैमरे से बचती नजर आई। वो कह रहा है मुझे अपने घर में अपने बच्चों की याद आ रही। क्या कोरोना पॉजिटिव है? अभी पता नहीं है। क्या टेस्ट हुआ इसका भी? मैं तो अभी मरीज को देखने आई हूँ, अभी इसके बारे में सारी जानकारी अभी दफ्तर में जाके लूँगी। आपको नहीं पता है इस मरीज की हिस्ट्री? अभी नहीं पता। नहीं, हिस्ट्री पता है मुझे जी। अभी जब सारी चीज़ें तथ्य आ जाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे। किस किस चीज़ में भर्ती है, किस बीमारी में भर्ती है? मैं अपना टेस्ट कराना चाह रहा था, इसका सैंपल वगैरह हो गया है, टेस्ट अभी आने वाला। तो मैं अस्पताल से कुदाना था, पता है अस्पताल से कुदाना। वो चादरें वगैरह कुछ, एक चादर लटकी भी है मैम। भागना चाह रहा है ना, वो कह रहा मुझे अपने बच्चों की याद आ रही थी।